हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है संजय जाखड़। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके हैं जनरल एग्रीकल्चर की वीडियो। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अपने सुपरवाइजर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऐप बनाया है अपनी संस्था का, एग्री हब RSNR के नाम से ऐप है, जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लगातार इस पर एग्रीकल्चर का पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर वीडियो डालते रहेंगे, और जो एग्रीकल्चर है वो आपको कराएंगे रविंदर सर। ठीक है, आइए रविंदर सर, बच्चों को अभी सुपरवाइजर लगाना है, इनका सपना है जो पूरा करना है। ठीक है, तो आज आप इनकी जो क्लास है लीजिए डेमो के तौर पे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, और अपने ऑफलाइन बेंच स्टार्ट है, तो अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, अब न्यू बेंच स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चे आ जाएंगे तो नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो लगाओ क्लास। थैंक यू सर संजय जी, यहाँ एग्री अपजेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने हमारे को ये मौका दिया है। तो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि ये संस्थान आपके लिए क्या दिन रात मेहनत कर रहा है। आप एक बार इसका जरूर विजिट करें, और हम किस टेक्नोलॉजी से और किस प्रकार आपको कंटेंट करवाएंगे वो आप एज ए डेमो के तौर पर, ये एग्रीकल्चर का पूरा जनरल एग्रीकल्चर का अपनी क्लास रहेगी, तो आप इसको एंड तक जरूर देखें। ओके, थैंक यू। यहाँ अपने इस एग्री अपजेट इंस्टीट्यूट का ऐप अभी नया जनरेट करवाया है ना, तो उसके लिए अपना ये पहला वीडियो है। तो अपने सर्वप्रथम किसको, श्री गणेशाय गणेश जी को, और अपने किनको, विद्या की देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि, ताकि ये संस्थान प्रगति करें। चलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ क्या अपने पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर में पार्ट फर्स्ट। ओके ठीक है, यहाँ पर अपने किसकी स्टडी करने वाले हैं, एग्रीकल्चर की, यानी कि सामान्य कृषि विज्ञान। देखो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें इनकी बहुत सारी ब्रांच हैं और उनका वन बाय वन अध्ययन किया जाता है। तो आज अपने जनरल एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ब्रांच हैं और किस ब्रांच में कौन सा अध्ययन किया जा रहा है, उस चीज का जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या है, एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स, पहले तो बात ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये कल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ, एग्रीकल्चर यानी किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द होगा, और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जिसका, इसका क्या अर्थ होने जा रहा है। यहां ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्या, एगर। एक कौन सा स्टूडेंट्स, एगर। एगर का अर्थ क्या हुआ, सोइल, यानी कि इसको हिंदी में कहूं तो हुआ मृदा, ठीक है ना। और मृदा का क्या किया जाता है, कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी कि क्या हुआ, कल्चरा, तो ये हुआ कल्टीवेशन, यानी कि सोइल से संबंधित जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती है वो किस शाखा में की जाती है, वो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में की जाती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और यदि कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कृषि, कृषि शब्द किस भाषा का है, तो ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, अपने 11th NCERT की बुक है जिसमें किसका, संस्कृत से लिया गया है। तो यहां पर एग्रीकल्चर दिया जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। एगर का अर्थ होता है सोइल, मृदा का, और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड क्या, एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांच हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। यहां अब आपको कौन सा अध्ययन किया, यानी कि कृषि क्रिया कर रहे हैं परंतु किस में, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की दृष्टि से कर रहे हैं, तो उसको मैनेजमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एग्रोनॉमी, यानी कि एग्रोज हुआ क्या, ये नॉमी लग गया, तो नॉमी किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है,
ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और यहां ये कौन से शब्दों से मिलकर बना है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एग्रोज। एग्रोज का अर्थ क्या होगा, फील्ड का। यहां अपने सोयल का नहीं है, फील्ड का है, यानी कि एक क्षेत्र को क्या किया जाता है, अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए, यानी कि फसलों का कम लागत के साथ अधिक उत्पादन किया जाएगा तो होगा क्या, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, किसका मैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ फील्ड का मैनेजमेंट हो रहा है। और यहाँ नॉमस का अर्थ क्या हुआ, मैनेज करना, यानी कि फील्ड का मैनेज किस में किया जाएगा, एग्रोनॉमी में। तो ये एग्रोनॉमी किसकी शाखा है, ये एग्रीकल्चर की एक शाखा है। तो अब इस कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या क्षेत्र, इसको क्या कह सकते हैं, फील्ड या खेत या क्या क्षेत्र। तो इसका प्रॉपर प्रबंधन, मैनेज का अर्थ क्या होगा, प्रबंधन, यानी कि खेत का प्रबंधन करना का अध्ययन किस में किया जाता है, एग्रोनॉमी में किया जाता है। और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीक। अब मैं यहाँ से जनरल बच्चों को क्या कंसेप्ट पकड़ा देता हूँ, यानी कि देखो नॉमी या क्या लॉजी, नॉमी या लॉजी जिस शब्द के अंत में लग जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के। और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि कल्चर, कल्चर जिस भाषा, जिस शब्द के अंत में लगेगा उसको क्या कहेंगे, वो लैटिन वर्ड होगा, लैटिन शब्द। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे, हॉर्टिकल्चर। तो इस शब्द के अंत में कौन सा लगा हुआ है, कल्चर। तो जनरली ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, हॉर्टिकल्चर, कल्चर हुआ, कल्चर लैटिन शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि लैटिन शब्द कौन सा है जिससे हॉर्टिकल्चर बना है, तो यानी कि हॉर्टस। हॉर्टस का अर्थ क्या हुआ, गार्डन। हॉर्टस, हॉर्टस का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, गार्डन, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो उद्यान, या कई बार क्या मिल सकता है इसको गार्डन की जगह क्या, इनक्लोज्ड एरिया। यानी कि घिरा हुआ क्षेत्र। अब यहां हॉर्टस उद्यान विज्ञान का, और कल्चर का अर्थ क्या होगा, कल्टीवेशन, यानी कि उद्यान विज्ञान से संबंधित जितनी भी कृषि क्रिया की जाती है वो किस शाखा में आएगी, हॉर्टिकल्चर में आएगी। और हॉर्टिकल्चर एक क्या है, कृषि विज्ञान की शाखा है, तो ये ध्यान में रखना होगा। यहां पर कल्चर का अर्थ क्या हुआ, कल्टीवेशन, यानी कि कृषि क्रियाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने हॉर्टिकल्चर में किन किन शाखा का अध्ययन किया जाता है, मेनली देखो कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा, हॉर्टिकल्चर क्या होती है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए, फलों का, फूलों का एवं सब्जियों का अध्ययन किया जाए, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान, यानी कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी भी तीन प्रॉपर क्या ब्रांचें होती है, यहां पर अपने पास ओलेरिकल्चर, फिर क्या पोमोलॉजी, फिर क्या यहां पर ओलेरिकल्चर। तो यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर ओलेरिकल्चर, फिर पोमोलॉजी और यहां पर फ्लोरिकल्चर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इन शाखाओं में भी किसका अध्ययन करते हैं पार्टिकुलर, यहां स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन कर रहे हैं, फलों का, फूलों का और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। अब अपनी बात करते हैं किससे, कि इन शाखाओं में पार्टिकुलर किसका अध्ययन किया जाता है। यहां स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको ध्यान है कि एक इमेज कितना 100 वर्ड्स के इक्वल होती है। तो यहां पर पोमोलॉजी, अब जनरली स्टूडेंट्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कौन सा शब्द है कि पोमोलॉजी, और लॉजी जिस शब्द के अंत में लगता है वो किस भाषा का शब्द होता है स्टूडेंट्स, वो होता है अपने मेनली क्या,
ग्रीक भाषा का। परंतु ये स्टूडेंट्स एक याद रखना, क्या अपवाद स्वरूप यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहां अपवाद है तो किस चीज का अपवाद है ये देखो आप। यहां पर देखो ये दो शब्द से बना है, यहां पर कौन सा एक है लैटिन शब्द। अब लैटिन शब्द कौन सा है ये आप इंपॉर्टेंट देखो भाई, लैटिन है पोनम, यानी कि कौन सा पोनम, और पोनम का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, यहां फ्रूट। पोनम का अर्थ क्या हुआ, फ्रूट, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि फल। तो फल का अध्ययन किया जाता है। और यहां पर लोगस यानी कि ये कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये इसका अर्थ क्या हुआ, डिस्कोरेज या स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि इस शाखा में किसका अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पोनम हुआ फ्रूट फल, और उनका क्या अध्ययन कर रहे हैं। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा, कौन सी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, पोमोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां ये अपवाद क्यों है, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में इस प्रकार आ जाता है कि पोमोलॉजी लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, या क्या मिल सकता है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या करने करोगे, लैटिन और ग्रीक दोनों ये कंबाइन आपका राइट आंसर होगा। यदि स्टूडेंट्स क्या आ जाए, लैटिन आ जाए, ग्रीक आ जाए, या कोई फ्रेंच आ जाए, या अरेबिक आ जाए, यदि ऑप्शन क्या आ जाए, तीन नंबर ऑप्शन अपने पास फ्रेंच, या क्या आ जाए अरबी, ठीक है ना। यदि लैटिन सिंगल है, ग्रीक सिंगल है, फ्रेंच अरबी आ जाए, तो आपको राइट आंसर कौन सा करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, लॉजिक की अकॉर्डिंग ही होगा, कौन सा होगा, ग्रीक वर्ड है पोमोलॉजी, अपने आप में क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना। परंतु यदि लैटिन ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक आ जाए तो कौन सा होगा, लैटिन प्लस ग्रीक होगा, ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखना। और इसमें किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच पढ़ा है अभी तक अपनी, हॉर्टिकल्चर में कितनी ब्रांच थी, यानी कि फल फूल एवं सब्जियों का अध्ययन करते हैं, और फलों का अध्ययन पार्टिकुलर रूप से किस में कर रहे हैं, पोमोलॉजी में कर दिया। तो यहां अब देखो ये आपको कौन सी चीज दिखाई दे रही है, ये सब्जी दिखाई दे रही है, तो इसमें किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर में क्या, यहां ओलेरीज यानी कि पोर्ट हरब, ठीक है, और कल्चर यानी कि कल्टिवेशन क्रियाएं, यानी कि सब्जियों से जितनी भी कल्चर क्रियाएं की जाती है वो किस में की जाती है, ओलेरी कल्चर में की जाती है, ये ध्यान में रखना होगा। अब अपने पास देखो स्टूडेंट्स फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में आपको ध्यान है कि फ्लोवर, फ्लोवर यानी कि क्या, फूल। तो फूल वाले जितने भी प्लांट हैं उनका अध्ययन किया जाता है विज्ञान की वह शाखा, तो उसको क्या कहेंगे कि फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो यहां देखिए क्या, यहां पर विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फूल वाले पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फ्लोरिकल्चर में स्टूडेंट्स किसका अध्ययन होगा, फ्लोवर का होगा, ठीक है। परंतु यहां कंफ्यूज मत हो जाना, यहां स्टूडेंट्स कई बार क्या, पुष्पों का अध्ययन, ये ध्यान में रखना होगा भाई, पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है स्टूडेंट्स, एंथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। यहां फ्लोवर का अध्ययन किस में, फूल वाले पादपों का अध्ययन किस में करते हैं, फ्लोरिकल्चर में करते हैं। अब अपने पास बहुत ही, क्योंकि एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया कि अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी ब्रांचें होती है। अब आज अपनी जनरल एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि किस ब्रांच में किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही है, सोइल, सोइल क्या है, इसको कहते हैं मृदा,
ठीक है ना, सोइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान। सोइल साइंस भी क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, और इसका अर्थ क्या होता है, चयनबद्ध यानी कि सोइल कैटाइन। इसका अर्थ क्या होता है, चयन। परंतु यहां एक अपने आप में पार्टिकुलर बात किसकी कर रहे हैं, सोइल की कर रहे हैं। तो सोइल किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये देखिए लैटिन वर्ड है, इसको मैं क्या 3 स्टार दे रहा हूं। सोइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है। और ये लैटिन वर्ड किस वर्ड से बना है, सोइल यानी कि सोलम से बना है। लैटिन वर्ड कौन सा होगा, लैटिन वर्ड होगा स्टूडेंट्स कौन सा, सोलम, सोलम से बनता है। अब सोलम का अर्थ क्या है, ये आपको अब ध्यान में होना चाहिए। सोलम का अर्थ क्या होता है, ग्राउंड या फ्लोर, ठीक है ना, इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, फर्श। तो ये अब आपको ध्यान में होना चाहिए। सोइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का किस शब्द से बना है, सोलम से बना है। इसको इस प्रकार भी राइट डाउन कर लीजिए, सोलम। सोलम का अर्थ क्या है, सोलम का अर्थ है ग्राउंड या फ्लोर या फर्श, ठीक है ना। तो ये अब आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां स्टूडेंट्स अब आप इमेज से भी देख सकते हो कि किस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहां ये क्या है, या मानसून, किसका, मानसून। वैसे स्टूडेंट्स अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा मानसून से बारिश होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है ना। यहां देखो मानसून किस भाषा का शब्द है। अब इसको स्टूडेंट्स मैं 4 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि जनरली बच्चे ना लैटिन पढ़ा हुआ है, ग्रीक पढ़ा हुआ है, और क्या संस्कृत वर्ड का भी पढ़ा हुआ है, परंतु ये क्या है, अरेबिक वर्ड है। कौन सा, यानी हिंदी में कई बार लिखा जाता है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा से लिया गया शब्द है मानसून। ये कौन सा, ये देखो मौसम। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन यानी कि सीजन, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, मानसून किस भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड कौन सा, मौसम, मौसम से, और मौसम का अर्थ क्या, सीजन, ये आपको ध्यान में होगा। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार इमेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्री हब में स्टूडेंट्स किस टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है, ये आपको इसी प्रकार पूरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंटेंट किस में मिलेगा, ये इस संस्थान का ऐप है एग्री हब RSNR, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ इसमें इस प्रकार आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रक गार्डनिंग में ट्रक का अर्थ क्या है और ट्रक किस भाषा का शब्द है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रक का अर्थ क्या है और ट्रक किस भाषा से लिया गया है, और उस शब्द का नाम पूछा जाता है। कई बार इस ट्रक का किस भाषा से लिया गया शब्द है, इस शब्द को पूछा जाता है, यानी कि ये अपने पास है फ्रेंच वर्ड, अपने आप में क्या यूनिक वर्ड है स्टूडेंट्स। मैं इसको क्या 4 स्टार दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है, फ्रेंच वर्ड है, आज ही याद कर लीजिए, क्योंकि यूनिक चीजें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है। यानी ये फ्रेंच वर्ड है, ये ट्रक, ट्रक का अर्थ ये नहीं है कि ट्रक की अंदर खेती करना, यानी यहां ये ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच क्या है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा है, इस भाषा का कौन सा शब्द है, टोर्कर, इस भाषा का कौन सा शब्द है, टोर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस शब्द को याद करना होगा। कई बार ट्रक गार्डनिंग में ट्रक किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, और फ्रेंच का किस शब्द से लिया गया है, तो फ्रेंच के टोर्कर शब्द से
ट्रक को मीनिंग दिया गया है। यहाँ टोर्कर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, टू बार्टर, बार्टर या एक्सचेंज, यानी कि सामान को लाना या ले जाना। बार्टर का अर्थ क्या होता है, सामान लाना या ले जाना, लाना या ले जाना, इसको कहते हैं। तो यहाँ ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, और फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द टी सी यानी कि ट्रक का अर्थ होगा टोर्कर, ठीक है, और यहाँ पर टू बार्टर या एक्सचेंज, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ से एक यूनिक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, ठीक है ना, ये एक वेजिटेबल गार्डनिंग का प्रकार है मान लीजिए। तो यहाँ ये किस प्रकार की खेती है वेजिटेबल गार्डन का, यानी कि एक्सटेंसिव है कि या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या सेकंड नंबर मिल जाता है इंटेंसिव। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिव क्या होती है, जो बाजार के नजदीक खेती की जाती है, यानी कि तो यहां पर ये एक्सटेंसिव प्रकार की वेजिटेबल गार्डन है, यानी दूर तक ले जाया या लाया जा सके। तो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ गार्डनिंग ट्रक गार्डनिंग, ठीक है ना। तो अब यहां से अब आपको यहां ये इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना। अब यहां पर जो इमेज आपको क्या दिखाई दे रही है कि इसमें किस चीज का अध्ययन आप अनुमान लगा सकते होंगे, चलो यहां अपने नेमेटोड, नीमा, ठीक है ना, टोड, नेमेटोड किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स, यहां ग्रीक भाषा का शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस प्रकार देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर हमारे को तो ध्यान में नहीं था, क्या लॉजी और नॉमी होता तो हम ग्रीक करते, क्योंकि कुछ शब्द स्टूडेंट्स यहाँ इस प्रकार के होते हैं जो अपने को नंबर या रैंक दिलवाते हैं, तो इन शब्दों को क्या याद करना होगा। नेमेटोड ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें क्या नीमा का अर्थ क्या हुआ, देखो नीमा का अर्थ क्या हुआ, थ्रेड, थ्रेड होता है यानी कि धागे लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी, धागे नुमा संरचना, ठीक है ना। और यहां टोइड का अर्थ क्या है, फॉर्म, फॉर्म यानी संरचना, तो धागे नुमा संरचना, यानी इसमें देखो किसका अध्ययन होगा, धागे नुमा संरचना का सर हमारे को ध्यान में नहीं आया कि किसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, ये धागे नुमा संरचना किसकी होती है, ये होती है नेमेटोड की, नेमेटोड, इसको क्या कह सकते हैं, नेमेटोड, इस प्रकार भी तो आ सकता है नेमेटोड, या इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, ठीक है ना। तो यानी कि विज्ञान की वह शाखा या एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें सूत्रकृमियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, नेमेटोलॉजी, क्या कहलाती है, नेमेटोलॉजी, ठीक है ना। और लॉजी लग गया तो आपको ध्यान में लग गया ना, लॉजी यानी कि ग्रीक वर्ड है, तो यहाँ नेमेटोड से कन्फ्यूज मत हो जाना, नेमेटोड का अर्थ होता है सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, ओके। तो इस प्रकार अपने को यहां देखिए, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, मार्केट, क्या है ये मार्केट, यानी कि यहां क्या कर सकते हैं, वह स्थान जहां व्यापार किया जा सके, पैलेस ऑफ ट्रेड, उसको कहते हैं क्या, मार्केट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, किस भाषा का शब्द है, यहां पर देखिए लैटिन भाषा का शब्द है, मार्केट किस भाषा का शब्द है, यहां लैटिन भाषा का शब्द है, और किस लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, मार्केट्स, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है पैलेस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का वह स्थान, या कई बार इसको क्या दिया जा सकता है, मर्केंडीज, ठीक है ना। अब यहां स्टूडेंट्स ये देखिए, इकोलॉजी, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द होगा,
लोजी या नोमी, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो यहां इसका अर्थ क्या है? आइकोस, ओइकोस यानी कि हाउस या डिवेलिंग पैलेस, यानी कि रहने का स्थान, अपने पृथ्वी के चारों ओर का क्या होता है वातावरण, उसमें जीव जंतु रहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स पारिस्थितिकी। ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन क्या आया था, एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इकोलॉजी, इको यानी आइको सबसे है, हाउस या डिवेलिंग, या लोगस होता है स्टडी करना। अब यहां स्टूडेंट्स अब किसका अध्ययन कर रहे हैं ये देखिए, यहां संग आर्थ्रोपोडा, किसका? आर्थ्रोपोडा, ये एक संग है एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट्स, किसका? एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी, लॉजी में किसका होगा अध्ययन होगा, किसका? अब एंटो का अर्थ क्या होता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होगा? एंटोमोलॉजी में होगा। तो यहां एंटोमोलॉजी का ये क्या है? एक फाइलम यानी संघ है, संघ फाइलम, यानी कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि कीट विज्ञान का वह संघ जिसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट आते हैं, यानी कि इंसेक्ट की स्पीसीज आती है, तो किस में आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, परंतु एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द होगा? लॉजी या नोमी किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो ये अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना होगा, इसीलिए तो यहां कंपैरिजन किया है। एंटोमोलॉजी किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का, परंतु आर्थ्रोपोडा किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। आर्थ्रोपोडा क्या है? एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं उस टाइम क्या एक संघ होता है। इसमें देखो आर्थ्रोज, आर्थ्रोज का अर्थ होता है सेगमेंटेड यानी कि खंड, यानी कि खंड। अब किन के होंगे? पॉड, पॉड का अर्थ क्या होता है? पॉडस यानी कि लेग, यानी कि कीटों की टांगे क्या होगी? सेगमेंटेड होती है, खंड युक्त होती है। तो यहां ये ध्यान में रखना, इनका शरीर भी क्या होता है? खंड युक्त होता है। तो आर्थ्रोज यानी सेगमेंटेड, पॉड्स यानी लेग, और किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। यहां स्टूडेंट्स अब अपने क्या है? मेटीरियोलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायुमंडल से संबंधित जितनी भी घटनाएं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो किस में होती है? मेटीरियोलॉजी, मौसम विज्ञान में। तो यहां देखिए लॉजी या नोमी, अब आप समझ चुके होंगे कि किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। परंतु स्टूडेंट्स यहां ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया? मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द था? अरबी भाषा का शब्द था, अरेबिक। यहां डिफरेंस ये ध्यान में रखना होगा। यहां देखो मेटीरियोलॉजी यानी कि ग्रीक, अब यहां ये होता क्या है? मेटीरियोज का अर्थ क्या होता है? एटमोस्फियर, जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या होता है? यानी कि अर्थ सर्फ, अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर का आवरण, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। लॉजी यानी कि इंडिकेटिंग साइंस, यानी कि विज्ञान का अध्ययन।
तो इसमें वायुमंडल में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उससे रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है उसमें किस शाखा में करते हैं, मेटीरियोलॉजी में करते हैं। और मेटीरियोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स। और यहाँ मानसून किस भाषा का है, अरेबिक भाषा का शब्द है, मोहसिन से लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास अब स्टूडेंट्स कुछ सिलेक्टेड किए हैं मैटर, ताकि लैटिन वर्ड, अब इनको याद रखना होगा कि ये भी जो जितने वर्ड हैं जिनका अपने आइडेंटिफिकेशन कर नहीं पाते हैं एक्चुअली में, तो वो अब आपको ध्यान रखना होगा कि लैटिन भाषा के ये शब्द हैं। जैसे यहाँ सेल, सेल का अर्थ क्या होता है, कोशिका, तो सेल क्या है, लैटिन वर्ड है, आप इतना याद रखें। यहाँ इवोल्यूशन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर सोसाइटी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। और यहाँ पर इन विवो इन विट्रो, इन विवो इन विट्रो यानी कि इन द लिविंग और इन द क्या, ग्लास। विट्रो का अर्थ क्या होता है, ग्लास, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये भी किस भाषा के शब्द हैं, लैटिन वर्ड हैं। और यहाँ पर क्रेडिट किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है। तो यहाँ आपको इनका वैसे पार्टिकुलर अपने इस प्रकार नहीं कर सकते कि वे शब्द जिनका लॉजी या नोमी लगेंगे तो ही लैटिन का होगा, यानी कि कल्चर वाले क्या होते हैं, लैटिन के होते हैं, लॉजी या नोमी क्या होते हैं, ग्रीक होते हैं। तो यहाँ कोई कल्चर नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी इनको क्या, लैटिन भाषा के ये शब्द हैं, ये आपको याद करना होगा। तो आज अपना जनरल वीडियो यहाँ पर अपने पास पूरा, वीडियो देखने के लिए आपको क्या, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीतने वाले क्या होते हैं, यहाँ ये गलती है, जीतने वाले चीज़ों को क्या अलग अंदाज से करते हैं, अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो सिर्फ अलग अंदाज यानी कि तरीकों से करते हैं। और एग्री अब जेट इंस्टीट्यूट रायसीनगर, ये देखो स्टूडेंट्स, क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता है, वैसे आप ध्यान दे चुके हो। यहाँ हमारा ऐप डाउनलोड करें और उसमें ये वीडियो आपको इसी प्रकार पूरे सिलेबस की मिलती रहेगी। थैंक यू। और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये वीडियो ही आपको YouTube पे मिलेगी एक ही, ठीक है, इसके बाद में जो भी हमारी वीडियो होगी तो वो आपको हमारे ऐप से ही देखनी होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।